हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे डीएफटी आईडीएफटी बेस्ड। इस वीडियो में मैंने जो भी क्वेश्चंस पिक किए हैं वो लास्ट ईयर्स एकेटीयू एग्ज़ाम में आ चुके हैं, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आ चुके हैं, ठीक है ना। यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 7.5 मार्क्स, बाकी दो क्वेश्चन 10 मार्क्स के 2016-17, 15-16 में आए हुए हैं, ठीक है ना। सो इफ़ यू वॉन्ट टू डू न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस क्वेश्चंस, ओके, हाउ टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस, देन इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, ठीक है ना। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, देन यू कैन स्किप दिस वीडियो। और इस वीडियो में मैंने जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, ठीक है ना, वो इसी ऑर्डर में सॉल्व किए हैं, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना, थर्ड और फोर्थ, ठीक है ना। मे बी इस वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो क्योंकि मैंने बहुत धीमे धीमे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है और समझाया, राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है 4.DFT, एक्स ऑफ एन आपको गिवन है और इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स मेथड से फाइंड करना है, ठीक है। इन सेकंड पार्ट जो भी आपको एक्स ऑफ के आपने फाइंड किया उसकी हेल्प से आपको एक्स ऑफ एन फाइंड करना है, ठीक है, मींस आपको आईडीएफटी फाइंड करना है, राइट। तो देखिए, वी नो द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है। आपको गिवन क्या है, कैपिटल एन इक्वल टू 4, कैपिटल एन इक्वल टू 4, तो हम यहाँ पे एन को 4 से रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 4, ये हो जाएगा 4x4 और ये हो जाएगा 4x1, ठीक। अब यहाँ k की वैल्यू और स्मॉल n की वैल्यू और स्मॉल k की वैल्यू वेरी होगी 0 से लेके n माइनस 1, ठीक है। तो कैपिटल n इक्वल टू 4 के लिए स्मॉल n जो वेरी होगा वो 0 से लेके कैपिटल n माइनस 1, दैट इज 4-1, 3, और k की वैल्यू भी वेरी होगी कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 3 तक, n माइनस 1 तक, ठीक। तो अब इस मैट्रिक्स को लिखते हैं बेटा, ठीक है। इस मैट्रिक्स में क्या आएगा, कैपिटल x ऑफ 0, कैपिटल x ऑफ 1, कैपिटल x ऑफ 2 एंड कैपिटल x ऑफ 3, ठीक है। ये वैल्यूज़ आपको फाइंड करनी है, ठीक है, 4x1 की ये मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स होती है ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ठीक है, इसको भी हम फिल करेंगे, ठीक। ये मैट्रिक्स क्या है, x ऑफ n की मैट्रिक्स। तो x ऑफ n की मैट्रिक्स मीन्स कि यहाँ पे x ऑफ 0 आएगा, x ऑफ 1 आएगा, x ऑफ 2 आएगा और x ऑफ 3 आएगा, ठीक। अब इस टोटल फैक्टर की मैट्रिक्स को कैसे फिल करेंगे फॉर द 4x4 इंडेक्स, ओके। सो 4x4 के लिए देखिए, आई विल ड्रॉ वन सर्कल, ठीक। ये क्या है, यूनिट सर्कल, इसके जो रेडियस है वो उसकी लेंथ क्या है बेटा, 1, ठीक। तो इस सर्कल पे हम 4 पॉइंट ट्रेस करेंगे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट, जो कि इक्वल डिस्टेंस पे हैं। हमने ये 4 पॉइंट्स मार्क कर दिए, ठीक है। इस पॉइंट की वैल्यू क्या है, 1, इस पॉइंट की वैल्यू -1, क्यों, कि ये रियल एक्सिस है और ये क्या है, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। यहाँ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट 1 है लेकिन इमेजिनरी है तो -j हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, +j, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे फिल करेंगे फॉर इन केस ऑफ डी एफ टी के केस में हम क्या करते हैं कि देखिए, ये आपके पास क्या है, रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसकी आर्गुमेंट की वैल्यू क्या है, 0, यहाँ भी 0, इसका मतलब कि इस रेफरेंस, हमेशा रेफरेंस पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे। तो रेफरेंस पॉइंट क्या है, 1, ठीक है। अब इस केस में ये 0 है, ये भी 0 है, इसका मतलब क्या है कि हमें इसी पॉइंट पे जमे रहना है, इसी पॉइंट को रिपीट करना है, ठीक है। तो ये 4x4 मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स होंगे, 1, 1, 1 और 1, ठीक। इसके बाद फॉर द नेक्स्ट रो, फर्स्ट एलिमेंट विल बी द 1, ठीक है ना, रेफरेंस पॉइंट हमेशा यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, फर्स्ट पॉइंट विल ऑलवेज बी रेफरेंस पॉइंट। अब इसमें इंडेक्स वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। इंडेक्स वैल्यू 1 का मतलब क्या है कि इन केस ऑफ डीएफटी वी विल रोटेट ऑन दिस सर्कल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन केस ऑफ डीएफटी, ठीक है। तो इस पॉइंट के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, -j, तो यहाँ -j फिल करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, -1 फिल करेंगे, -1 के बाद क्या है, +j, ठीक।
फॉर द नेक्स्ट रो, ठीक है ना, रेफरेंस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे हमेशा वन। अब ये क्या कह रहा है, इसके साथ में जो एक्स ऑफ टू एसोसिएट हो रहा है वो बोल रहा है कि हमें दूसरा पॉइंट पिक करना है, ठीक है ना। तो यहाँ से स्टार्ट किया, फर्स्ट पॉइंट स्किप किया, सेकंड पॉइंट को पिक किया, माइनस वन, माइनस वन पे हैं अभी, नेक्स्ट पॉइंट को स्किप किया, ठीक है ना, और नेक्स्ट पॉइंट को कलेक्ट किया, ठीक है ना, सेकंड पॉइंट को, तो क्या हो जाएगा वन, और वन के बाद अगेन क्या आ जाएगा, ये माइनस वन, ठीक है, सिंपल है। इन द लास्ट रो वी विल स्टार्ट विद द रेफरेंस, रेफरेंस से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ कौन सा पॉइंट हमें पिक करना है बेटा, थर्ड पॉइंट पिक करना है, रोटेट होना है किसमें, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ से स्टार्ट किया, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट कलेक्ट किया हमने, क्या आ जाएगा, प्लस जी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, यहाँ पे है अभी वन टू थ्री, माइनस वन आ जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट पे। अब इस माइनस वन के रेस्पेक्ट में देखिए थर्ड पॉइंट क्या होगा, वन टू थ्री माइनस जी। तो ये हमने क्या किया कि टोटल फैक्टर मैट्रिक्स या ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को इस तरीके से फिल कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब तो बहुत सिंपल है, ठीक, सिंपल क्या है इसमें देखिए, ये समझ आ गया, इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे x ऑफ 0, x ऑफ 1, x ऑफ 2 एंड x ऑफ 3 की वैल्यू फिल करनी है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली x ऑफ 0, 1, 2 और 3 की वैल्यू को मेंशन कर देते हैं। ये क्या है, 1, 1, माइनस 2, माइनस 2, देखिए यहाँ से 1, 1, माइनस 2, माइनस 2, ठीक। अब बस आंसर के लिए क्या करना है हमें, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट रो विल मल्टीप्लाइड विद द फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना, सेकेंड रो विल मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो विल बी मल्टीप्लाइड विद द फर्स्ट कॉलम एंड फोर्थ रो विल मल्टीप्लाइड विद द फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लीकेशन करना है और फिर उसके बाद ऐड करना है, ठीक है। तो देखिए जब इस रो को मल्टीप्लाई करेंगे हम इस कॉलम से, तो क्या आ जाएगा, ये सारे एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, तो 1 + 1 माइनस 2 माइनस 2, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट इन दिस मैट्रिक्स, ठीक है। सेकेंड क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम से, ठीक है। तो देखिए स्टार्टिंग में 1 1 दिया है, तो 1 माइनस जे हो जाएगा डायरेक्ट, 1 माइनस जे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, माइनस 2, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा, एंड माइनस 2 इंटू प्लस जे, माइनस 2 जे हो जाएगा, ठीक। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, 1 इंटू 1 1, ठीक है, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2, एंड माइनस 1 इंटू माइनस 2 क्या हो जाएगा, प्लस 2, ठीक ना। फॉर द लास्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम से, ठीक है ना। तो पहले दो एलिमेंट को ऐड कर दीजिए एज इट इज़, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस जे, और लास्ट में क्या करना है, माइनस 2, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस 2 जे, ठीक। बस इसको आपको सम करना है और आपको आंसर मिल गया, सम कीजिए, देखिए ये हो जाएगा माइनस 2, ठीक है, ये 1 1 2 माइनस 2 कैंसिल, ठीक है, 2 माइनस 2 बचेगा केवल, यहाँ क्या बचेगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 3 एंड माइनस जे, माइनस 2 जे, माइनस 3 जे, ठीक। अब देखिए इस 1 से ये 1 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 1 2 3 एंड प्लस जे प्लस 2 जे, तो ये जाएगा प्लस 3 जे, ठीक है। तो पहले पार्ट का आंसर आ गया, x ऑफ 0 की वैल्यू, x ऑफ 1, x ऑफ 2, x ऑफ 3 की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 3 जे 0 एंड 3 प्लस 3 जे, तो इस तरीके से पहला पार्ट हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में IDFT में फाइंड करना है, x ऑफ n फाइंड करना है, ठीक है ना, बाय यूजिंग द सेम मेथड। तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, इसमें देखिए इन केस ऑफ IDFT, ठीक है ना, IDFT के केस में क्या होगा, IDFT, इसी में करेक्शन करते हैं, इसी में चेंज करते हैं, देखते हैं कि क्या चेंज होता है। तो देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ पे हमें x ऑफ n फाइंड करना है, तो यहाँ पे ये हट के क्या आ जाएगा, x ऑफ k की जगह x ऑफ n आ जाएगा, सिंपल। और यहाँ x ऑफ n की जगह क्या आ जाएगा बेटा, x ऑफ k, क्योंकि हमें इस केस में x ऑफ k गिवन है, x ऑफ n फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ इस टोटल फैक्टर के साथ क्या होगा, इस टोटल फैक्टर के साथ ये होगा कि इसमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का साइन आ जाएगा ऊपर, ठीक है,
और एक चेंज और है, वो चेंज क्या है कि यहाँ पे एक 1/4 1/ कैपिटल एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैपिटल एन क्या यहाँ पे 4, तो 1/4 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस इतना चेंज करना है आपको, ठीक है। तो देखिए इस केस में अगेन स्मॉल एन और स्मॉल के इसी तरीके से चेंज होंगे, 0 से 3 0 से 3, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेंज करते हैं, तो यहाँ पे ये कैपिटल एक्स क्या है, स्मॉल एक्स में चेंज हो जाएगा, सिंपल, ठीक। ये स्मॉल एक्स, स्मॉल एक्स, स्मॉल एक्स एंड स्मॉल एक्स, ठीक है। इसके बाद इक्वल टू का साइन है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ 1/4 भी है तो 1/4 हमने यहाँ मेंशन कर दिया, ठीक। इसके बाद इस टोटल फैक्टर मैट्रिक्स में क्या चेंज होगा बेटा, इसमें चेंज होगा कि इसमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लग गया है, ठीक है। तो जहाँ भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, जहाँ भी कॉम्प्लेक्स टर्म है उसका आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिख दीजिए, सिंपल है, ठीक है। पहली लाइन में कोई दिक्कत नहीं, दूसरी लाइन में क्या होगा, 1 है, फिर क्या है, माइनस जे, माइनस जे का बेटा क्या हो जाएगा, प्लस जे, ठीक है। फिर माइनस 1 है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ प्लस जे का क्या हो जाएगा बेटा, माइनस, ठीक। यहाँ इस लाइन में कोई चेंज नहीं, सब रियल वैल्यूज़ हैं, 1-1। लास्ट लाइन में चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस जे की जगह हो जाएगा माइनस जे, और यहाँ माइनस जे की जगह हो जाएगा प्लस जे, बस इतना चेंज करना है आपको, ठीक है। तो कुल मिला के अगर देखें तो केवल 4 पॉइंट आपको चेंज करने हैं, 4 पॉइंट में भी केवल साइन चेंज करना है, प्लस माइनस, माइनस माइनस, सॉरी प्लस माइनस, माइनस प्लस, ठीक है ना, इन केस ऑफ IDFT, ठीक है ना, और DFT के केस में इसका जस्ट रिवर्स होता है, सिंपल, ठीक। अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ आएंगी वो किसकी आएंगी बेटा, x ऑफ k की, और x ऑफ k की वैल्यूज़ क्या हैं, बस यहाँ से कॉपी कर दीजिए, इनको हटाइए, ठीक है ना, इनको भगाइए, और इसकी जगह इसको बिठाइए, इनको बिठा दीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 2, 3, माइनस 3j, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 0, फिर क्या आ जाएगा, 3 प्लस 3j इक्वल टू, ठीक है। बस इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करना है और आपको आंसर लिखना है। तो देखिए आपको पता है कि इसका मल्टीप्लीकेशन के बाद आंसर क्या आने वाला है, ठीक है ना, आपने इतनी फॉर्मेलिटी कर ली, बहुत है। अब क्या कीजिए, आप इसको रफ़ कीजिए, ठीक है, और अब आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है ना, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है, क्या कि जब आपने DFT फाइंड किया, ठीक है ना, तो आपको वैल्यूज़ मिल गई ये, ठीक है ना। अब इसी से रिवर्स प्रोसेस करना है हमें, ठीक है ना, IDFT से जो x ऑफ k है उससे x ऑफ n फाइंड करना, तो वही वैल्यू रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, आंसर लिखेंगे डायरेक्ट, आंसर क्या लिखेंगे आप, डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर लिखेंगे इसका, 1 1, माइनस 2 माइनस 2, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेकंड पार्ट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है, ठीक। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस, दैट इज x ऑफ n आपको फाइंड करना है, x ऑफ k गिवन है, कितने पॉइंट के लिए, 4 पॉइंट के लिए, 1 2 3 4, ठीक है। तो देखिए इसको हम कन्वेंशनल मेथड से भी कर सकते हैं, जिसमें फॉर्मूला लिखेंगे, उसको एक्सपेंड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, लेकिन उस मेथड से कई गुना अच्छा ये वाला मेथड है, ठीक है ना, यूजिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स मेथड फॉर IDFT। तो पहले रिलेशनशिप लिखते हैं कि इस केस में x ऑफ n और x ऑफ k में क्या रिलेशन होता है। देखिए जो हमें फाइंड करना है वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा, वो क्या होगा, वो होगा x ऑफ n, ठीक है। x ऑफ n की जो मैट्रिक्स होगी वो n क्रॉस 1 की होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 1/N, ठीक है, टोटल फैक्टर मैट्रिक्स WN/NK कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है ना। इसका साइज क्या होता है, n क्रॉस n इंटू क्या हो जाएगा, x ऑफ k जो गिवन है आपको, n क्रॉस 1, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे कैपिटल N क्या है, 4, कैपिटल N 4 है, तो यहाँ पे 4 रिप्लेस कर दीजिए आप, तो ये क्या हो जाएगा, 4 क्रॉस 1, ये क्या हो जाएगा, 4 क्रॉस 4, ये क्या हो जाएगा, 4 क्रॉस 1, और यहाँ कैपिटल N की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, क्लियर। अब देखिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो x ऑफ n की मैट्रिक्स क्या होगी, देखिए x ऑफ n की मैट्रिक्स यहाँ पे हो जाएगी x ऑफ 0, x ऑफ 1, x ऑफ 2 एंड x ऑफ 3, ठीक, 4 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स, ठीक है ना, 4 क्रॉस 1, 1 2 3 4, 4 रोज 1 कॉलम, 1/4 इंटू। अब देखिए यहाँ पे हमें टोटल फैक्टर मैट्रिक्स नहीं पता, ठीक है ना, ना DFT की ना IDFT की, ठीक है। तो अभी हम कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं,
एक्स ऑफ के यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ ज़ीरो, एक्स ऑफ वन, एक्स ऑफ टू एंड एक्स ऑफ थ्री। ठीक, अब देखिए टोटल फैक्टर के मैट्रिक्स हम फिल करते हैं, अगेन यूनिट सर्कल का हम यूज़ करेंगे, ये यूनिट सर्कल हमने ड्रॉ किया, ठीक है ना, किस प्लेन में, कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स प्लेन में। तो यहाँ पे रियल वैल्यू, ये इमेजिनरी वैल्यू, और फटाक से हमने क्या किया, इसमें चार पॉइंट सेलेक्ट किए, ठीक है ना, फोर पॉइंट्स एट इक्वल डिस्टेंस, ठीक है ना, रेफरेंस पॉइंट ये है तो 90 डिग्री के एंगल पे होंगे, 360 डिवाइडेड बाय 4, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है ना, तो 1, 2, 3 और 4, अगेन इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ये माइनस जे हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, प्लस जे, ठीक है, क्योंकि इसकी रेडियस क्या है सर्कल की, 1। अच्छा, अब देखिए इस केस में हम टोटल फैक्टर मैट्रिक्स कैसे फिल करेंगे, इसमें करना वही ही है, प्रोसीजर वही ही है, केवल एक चीज़ चेंज होगी, वो क्या चेंज होगा, डीएफटी के केस में हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे थे, ठीक है ना, लेकिन इस केस में क्या करेंगे, हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, ठीक है ना, तो इस केस में हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, ठीक है ना, इन केस ऑफ आईडीएफटी, ठीक है, आईडीएफटी केस में इस तरीके से मूव करते हैं। तो देखिए पहली लाइन हमें फिल करनी है, पहली लाइन रेफरेंस पॉइंट क्या है इसका, 1, ठीक है ना, ये क्या है बेटा, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, तो पहली लाइन में क्या होगा, देखिए स्टार्टिंग हमेशा लाइन की जो भी रो होगी पहला एलिमेंट हमेशा 1 होगा, रेफरेंस पॉइंट होगा, ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होंगे वो डिसाइड करेगा, ये आर्ग्यूमेंट इसका 0 है, 0 है मतलब कि उसको जहाँ है वहीं बैठे रहना है, आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है ना, तो 1 है तो रिपीट होता रहेगा ये 1 1 1 1, ठीक है, सेकेंड रो भी स्टार्ट 1 से होगी, थर्ड रो भी स्टार्ट 1 से होगी, फोर्थ भी 1 से स्टार्ट होगी, रेफरेंस पॉइंट से हमेशा स्टार्टिंग होगी। अब यहाँ सेकेंड एलिमेंट क्या होगा बेटा, सेकेंड एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे, देखिए कितना स्टेप चलना है आपको, यहाँ पे 1 स्टेप चल रहा है, ठीक है ना, मीन्स कि सीक्वेंस में आपको सारे पॉइंट्स, ठीक है ना, पिक करने हैं, तो यहाँ से स्टार्ट किया, एक स्टेप पे आपको कौन सा पॉइंट मिलेगा, प्लस जे, तो यहाँ पे लिख दिया आपने प्लस जे, नेक्स्ट स्टेप पे आपको कौन सा पॉइंट मिलेगा, माइनस 1, ठीक है, तो माइनस 1 लिख दिया, माइनस 1 के बाद कौन सा पॉइंट मिलेगा, माइनस जे, तो इसमें प्रोसीजर वही है, केवल रोटेशन चेंज हो रहा है, ठीक है ना, आप मान सकते हैं कि पहले हम इस डायरेक्शन में मूव करें तो अभी इस डायरेक्शन में मूव करें, ठीक है ना, तो प्लस जे माइनस 1 माइनस जे। अब देखिए थर्ड केस, थर्ड रो में क्या आएगा, इसमें क्या लिखा है, 2 1 2 3, ठीक है ना, थर्ड रो, तो यहाँ आर्ग्यूमेंट क्या है, 2, तो 2 का मतलब हमें सेकंड पॉइंट पिक करना है, तो इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड क्या हो जाएगा, माइनस 1, इसके रेस्पेक्ट में अगेन यहाँ पहुँच जाएगा, फिर इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पहुँच जाएगा, तो 1 माइनस 1 1 माइनस 1, ठीक है, लास्ट रो क्या हो जाएगी, देखिए 1, अब हमें कौन सा पॉइंट पिक करना है, थर्ड, तो यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3 माइनस जे, ठीक है, यहाँ पे अभी 1 2 3 माइनस 1, यहाँ पे अभी 1 2 3 प्लस जे, ये हमने फिल कर दिया, तो इसे हम हटा देते हैं, इसका काम ख़त्म। अच्छा, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है बस, केवल, ठीक है, यहाँ वैल्यूज पुट कर दीजिए, जो लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, 1 माइनस जे लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट इज माइनस 2 एंड 1 प्लस जे। इस रो का मल्टीप्लाई करना है इस कॉलम से, तो 1 का मल्टीप्लाई इन एलिमेंट से करेंगे तो सिंपल सारे एलिमेंट्स एज इट इज ऐड हो जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 4 प्लस 1 माइनस जे माइनस 2 प्लस 1 प्लस जे, सारे एलिमेंट्स को हमने जोड़ दिया, ऐड कर दिया, राइट। सेकंड एलिमेंट क्या होगा इस कॉलम का, इस रो को मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम से, ठीक है, तो देखिए 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 4 रहेगा, प्लस जे का मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस जे से तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस जे, और माइनस जे प्लस जे, तो ये जे स्क्वायर मीन्स माइनस 1 माइनस 1 माइनस पहले से है प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1, ठीक है, फिर इसी तरीके से ये माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, एंड नेक्स्ट एलिमेंट माइनस जे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस जे हो जाएगा 1 से, और ये माइनस
माइनस प्लस हो जाएगा प्लस वन, ठीक है। तो इस तरीके से आप बाकी दो एलिमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है, फाइनल आंसर भी लिख सकते हैं, एक बार आप ट्राई कीजिए। बाकी मैं फाइनल आंसर अभी यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा आंसर आपका सही आ रहा है या नहीं, ठीक है। फ्रेंड्स आपने आंसर फाइंड किया होगा, एक बार आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आंसर आ जाएगा आपके पास 1201, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। इसमें आपको DFT फाइंड करना है, x ऑफ n गिवन है, ठीक है। अब इसमें आपको n पॉइंट DFT फाइंड करना है, ठीक है। अब इसमें ऐसा नहीं कि आपको n की वैल्यू चेंज करनी हो, 0, 1, 2, 3 ऐसा नहीं करना है। इसमें क्या करेंगे आप देखिए, बाय द डेफिनेशन ऑफ DFT वी नो दैट दिस इज द रिलेशन बिटवीन xn और x ऑफ k, ठीक। तो यहाँ x ऑफ k की वैल्यू क्या होगी बेटा, x ऑफ k इज इक्वल टू समेसन n 0 से लेके n माइनस 1 तक चेंज हो रहा है, एक्स एन की जगह आपने ये पुट कर दिया कॉस ए एन, ठीक है ना, इन टू ई रेस टू डी पावर माइनस जे 2πnk बाय कैपिटल N, ठीक है। अब आपको पता है क्या कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, ई रेस टू डी पावर माइनस जे थीटा प्लस ई रेस टू डी पावर जे थीटा बाय 2, इसके इक्वल होता है, ठीक। तो थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू क्या यहाँ पे ए एन, ठीक है। इससे अगर कंपेयर करें तो यहाँ थीटा क्या है ए एन, तो इस कॉस ए एन को रिप्लेस कर दिया आपने, ठीक है। जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी समेशन, देखिए 1/2 फैक्टर है तो 1/2 फैक्टर को आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है, समेशन से कोई मतलब नहीं होता उसको। तो अब क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, समेशन एन इक्वल टू 0 से लेके एन माइनस 1, ठीक है। इसकी वैल्यू रिप्लेस किया आपने तो क्या हो जाएगा, ये ई रेस टू डी पावर माइनस जे थीटा क्या है ए एन, ठीक है, इन टू ई रेस टू डी पावर माइनस जे 2πnk बाय कैपिटल N, ठीक है, प्लस प्लस का साइन, ठीक है ना, दिस टर्म विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस टर्म, सो ई रेस टू डी पावर जे ए एन इन टू ई रेस टू डी पावर माइनस जे 2πnk बाय कैपिटल N, ठीक। द नेक्स्ट स्टेप, 0 से लेके n माइनस 1, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इन पावर्स को आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ई रेस टू डी पावर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा ई रेस टू डी पावर, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा, जे कॉमन आ जाएगा और स्मॉल एन कॉमन आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ आपने क्या किया, माइनस जे एन को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा ए, और क्या बचा है अंदर, ये बचा प्लस 2πएन आपने कॉमन ले लिया, के बचा और कैपिटल एन बचा, ठीक। इसी तरीके से यहाँ देखिए क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ आपने जे कॉमन ले लिया और एन कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा ए, ठीक है, माइनस 2πk बाय कैपिटल एन, ठीक। इतना समझ आया, ठीक। और को पता है कि अगर एम की पावर अगर ए भी हो तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, एम ए की पावर बी, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ करनी है जो मल्टीप्लिकेशन में है, देखिए इसी में हम चेंज कर देते हैं, नेक्स्ट स्टेप नहीं लिखते, ठीक है। आपको तो नेक्स्ट स्टेप नोट करना होगा, लेकिन मैं टाइम सेव करने के लिए इसको क्या करता हूँ, इसको इस एन को उठा के क्या करूँगा मैं, इस पर ब्रैकेट लगा के इसके ऊपर एन को बिठा दूँगा, राइट। यहाँ से भी हमने एन को हटाया, ठीक है ना, तो इस के ऊपर क्या आ जाएगा, इस ब्रैकेट के ऊपर क्या आ जाएगा, स्मॉल एन और ब्रैकेट क्लोज बड़ा रखा, ठीक है ना। तो एन को आपने यहाँ से हटा के इसके ऊपर प्लेस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपने यहाँ पे देखा है रिप्रेजेंटेशन का तरीका, ठीक। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में, देखिए आप इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को कैपिटल ए से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है ना, कैपिटल ए से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ई रेस टू डी पावर ए की पावर स्मॉल एन। अब स्मॉल एन की वैल्यू चेंज हो रही है 0 से लेके एन माइनस 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ई रेस टू डी पावर ए की पावर क्या हो जाएगी 0 प्लस ई रेस टू डी पावर ए की पावर क्या हो जाएगी 1, ई रेस टू डी पावर ए की पावर क्या हो जाएगी 2, डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म विल बी ई रेस टू डी पावर ए की पावर हो जाएगी एन माइनस 1, ठीक है ना। इस पूरे क्वांटिटी को आपने सपोज कर लिया क्या ए,
तो देखिए ये आपके पास क्या हो रहा है, ये जीपी सीरीज बन रही है, ठीक है ना। कितने पॉइंट की? कैपिटल एन पॉइंट्स की, क्योंकि जीरो से लेके एन माइनस वन तक चेंज हो रहा है, ठीक है। तो एन पॉइंट अगर आपके पास हैं तो जीपी सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए उसके लिए उसका फॉर्मूला होता है फॉर एन पॉइंट, कैपिटल एन पॉइंट, ठीक है। जीपी सीरीज के लिए फॉर्मूला होता है, जो समीशन होता है, समीशन इज इक्वल टू क्या होता है, वन माइनस ए, ए जो भी होगा, ठीक है ना, ये पूरा टर्म क्या है, ए, ठीक है। तो इस टर्म की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा ई रेस टू पावर ए, ठीक है। इसकी पावर क्या हो जाएगी, कैपिटल एन डिवाइडेड बाय वन माइनस ई पावर ए, ठीक। तो बस इसमें आपको क्या करना है, अब इसमें रिप्लेस करना है ए को। तो देखिए ये यहाँ पे जो एक्स ऑफ के है, एक्स ऑफ के विल इक्वल टू वन बाई टू, यहाँ से आ गया वन बाई टू, ठीक। अब आपने क्या किया कि इस समेशन की हेल्प से आपने इसको रिप्लेस कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन माइनस ई रेस टू डी पावर, ठीक है, ए एन, ए क्या है, ए क्या है, ए ये है, ठीक है ना, ये पूरी क्वांटिटी। तो आपने लिख दी यहाँ पे माइनस जे इंटू स्मॉल ए प्लस टू पाए के एन कैपिटल एन, ठीक है। और इसकी पावर क्या है बेटा, कैपिटल एन। और आपको पता है पावर्स जब होती हैं, ठीक है ना, तो आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो यहाँ पे कैपिटल एन आ जाएगा डिवाइडेड बाय वन माइनस ई रेस टू डी पावर ए। तो यहाँ पे ई रेस टू डी पावर माइनस जे ए प्लस टू पाए के बाय कैपिटल एन, ये वैल्यू आ गई, ठीक। एक टर्म ये हो गया। इसी तरीके से देखिए जब आप इसको लिखोगे, ठीक है ना, तो ये एक सीरीज ये भी बन जाएगी, ठीक। तो इसी तरीके से इसी फैशन में अगर देखें तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म हो जाएगा वन माइनस ई रेस टू डी पावर, यहाँ ए क्या है, यहाँ प्लस जे से स्टार्ट हो रहा है, तो जे इंटू ए प्लस ए माइनस, सॉरी ए माइनस टू पाए के बाय कैपिटल एन इंटू कैपिटल एन डिवाइडेड बाय वन माइनस ई रेस टू डी पावर जे माइनस जे, माइनस जे होगा प्लस जे होगा, प्लस जे होगा, ठीक है ना, ए माइनस टू पाए के बाय एन, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, बस ये हो गया, ठीक। आप यहीं पे इस क्वेश्चन को एंड कर सकते हैं, ठीक है ना, या एक और स्टेप अगर आप लें तो इसमें और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो कैसे, देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप, वन बाई टू तो है यहाँ पे, ठीक है ना, वन माइनस, ठीक, जब आप एन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये ई रेस टू डी पावर माइनस जे कैपिटल एन इंटू ए, ठीक, इंटू क्या आ जाएगा, ई रेस टू डी पावर माइनस जे टू पाए के बाय कैपिटल एन इंटू कैपिटल एन, कैपिटल एन से कैपिटल एन कैंसिल, ठीक, डिवाइडेड बाय वन माइनस, ये तो एज इट इज रहेगा, ई रेस टू डी पावर माइनस जे ए प्लस टू पाए के बाय कैपिटल एन, ठीक, प्लस इसी तरीके से इसको रीअरेंज कीजिए, वन माइनस ई रेस टू डी पावर जे ए एन, ठीक है, इंटू ई रेस टू डी पावर माइनस जे टू पाए के बाय कैपिटल एन इंटू कैपिटल एन, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय एन इंटू कैपिटल एन, वन माइनस ई रेस टू डी पावर जे ए माइनस टू पाए के बाय कैपिटल एन। देखिए सिंप्लीफाई करने में क्या होगा, इससे एन से एन कैंसिल हो जाएगा, और अगर आप ये टर्म देखें ई रेस टू डी पावर माइनस जे टू पाए के, ठीक है, इसकी वैल्यू फॉर द इंटीजर वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू क्या थी, जीरो से लेके एन माइनस वन तक वेरी कर रही है, लेकिन इंटीजर वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस टू पाए के माइनस जे साइन टू पाए के, ठीक है, इसकी वैल्यू
कॉस टू पाई के की वैल्यू हमेशा और हमेशा क्या रहती है बेटा, वन, इसकी वैल्यू हमेशा वन रहती है, और ये साइन टू पाई के हमेशा क्या होता है बेटा, ज़ीरो। तो अल्टीमेटली इस टर्म की वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, वन, फॉर इंटीजर वैल्यू ऑफ के। तो इसको हम यहाँ से रिमूव करने में कोई दिक्कत नहीं, वन से मल्टीप्लाई हो रहा है एक तरीके से, ठीक है ना, इसी तरीके से यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है ना, इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। अदरवाइज आप यहाँ पे भी एंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पूरे नंबर मिलेंगे इस केस में भी, ठीक। यस स्टूडेंट्स, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में आपको 10 पॉइंट DFT फाइंड करना है फॉर द गिवन सीक्वेंस, ठीक है। इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, इम्पल्स सिग्नल और यूनिट स्टेप सिग्नल के टर्म्स में पहले सिग्नल दिया है, तो पहले आपको सिग्नल की वैल्यू फाइंड करनी होगी, एंड देन उसके बाद आपको x ऑफ k फाइंड करना होगा। तो देखिए, x ऑफ n गिवन है ये, देखिए डेल n और डेल n माइनस 5 क्या होगा, डेल n की डेफिनेशन क्या होती है, डेल n होता है डेल्टा फंक्शन, ठीक। डेल n की वैल्यू 1 होती है जब इसका आर्गूमेंट क्या हो, 0, ठीक है, और जब आर्गूमेंट 0 नहीं होता तब इसकी वैल्यू 0 रहती है, राइट, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे n इक्वल टू जब 0 होगा तब इसकी वैल्यू 0 रहेगी, इसकी वैल्यू 1 रहेगी, इसकी वैल्यू 0 रहेगी, ठीक है ना। तो कुल मिला के आपके पास क्या मिलेगा, x ऑफ n को अगर आप प्लॉट करें तो n इक्वल टू 0 पे आपको एक इम्पल्स मिलेगा इसकी वजह से, ठीक है, ये इम्पल्स है इसकी वजह से, और एक n इक्वल टू 5 पे, ठीक है ना, n इक्वल टू 5 पे क्या होगा, इसका आर्गूमेंट 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, ठीक है ना, लेकिन n इक्वल टू 5 पे इसकी वैल्यू 0 रहेगी। तो ऐसा नहीं कि ये 1+1 2 होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है ना, बिकॉज n इक्वल टू 0 पे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, जबकि n इक्वल टू 0 पे उसी टाइम पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, -5, मीन्स डेल ऑफ -5, ठीक है ना, आर्गूमेंट इज़ नॉट 0, इसकी वजह से इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी, 0, ठीक है। व्हेन यू विल पुट n इक्वल टू क्या 5, तो इसकी वैल्यू 0 रह जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक। तो दो इम्पल्सेस मिलेंगे, n इक्वल टू 0 पे और n इक्वल टू 5 पे, बाकी सब 0 रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो x ऑफ 0 एग्जिस्ट करेगा और x ऑफ 5 जिंदा रहेगा, ठीक है ना, बाकी सब गायब हो जाएंगे, ठीक। तो केवल हमारे पास दो टर्म बचेंगे। अब यहाँ पे हमने DFT का फॉर्मूला लिखा और n इक्वल टू 10 है आपके पास, ठीक है, दिया हुआ है, गिवन है, ये हमने सिंपल फॉर्मूला लिखा, ठीक है, n माइनस 1 को रिप्लेस कर दिया 9 से, सिंपल। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, अप टू 9 तक एक्सपेंड करना होगा। लेकिन आपको पता है क्या कि केवल दो टर्म जिंदा हैं, वो क्या है, x ऑफ 0 और x ऑफ 5, बाकी सब गायब हैं, ठीक है। तो x ऑफ 0 वाला टर्म आएगा, x ऑफ 5 वाला टर्म आएगा। जब 0 वाला टर्म आएगा किसके लिए है, ये n इक्वल टू 0 के लिए, n इक्वल टू 0 जब पुट करेंगे तो W10 की पावर क्या हो जाएगी, 0, W10 की पावर 0 हो जाएगी, ठीक है ना। जब x ऑफ 5 आ रहा होगा, ठीक है ना, तो n की वैल्यू क्या है, 5, तो 5 जब पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ W10 पावर 5 के हो जाएगा, ठीक है, बाकी सब 0, ख़त्म। अब यहाँ पे देखिए, x ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 1, ठीक है, x ऑफ 0 की वैल्यू 1 है, तो 1 पुट कर दी, W10 की पावर 0 क्या होगी, हमेशा 1 रहेगी, तो 1, ठीक। इसके बाद x ऑफ 5 की वैल्यू 1 पुट कर दी और W10 पावर 5 के क्या होगा, देखिए आपको पता है टोटल फैक्टर W10 क्या होगा, e^j2π/n, n के यहाँ पे 10, तो देखिए वही लिखा हमने, e^j2π/10 इंटू क्या हो जाएगा, 5 के, तो 5 के, अब यहाँ पे 2, 5, 10 कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व किया आपने e^-j π के बच्चा, ठीक है। अब ये e^-j π के को आपने सॉल्व किया तो कॉस और ये साइन के टर्म्स में आपने लिख दिया, ठीक है। अब यह बोले हुए आपकी यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है ना, और आपने यहाँ प्लस लिखा हुआ है, ठीक, तो यहाँ पे आप माइनस लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस ही होगा, ठीक है। अब देखिए, आपको पता है यहाँ के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू इंटीजर वैल्यू है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, up to 9 लिखा है यहाँ पे आपने, ठीक है, क्योंकि ये 10 पॉइंट DFT की बात कर रहे हैं। के की वैल्यू जो चेंज होगी वो 0 से लेके 9 तक चेंज होगी, स्मॉल एन की वैल्यू भी 0 से लेके 9 तक चेंज होगी, ठीक है। तो यहाँ इंटीजर वैल्यू के लिए क्या होगा कि या तो इवन होगा या तो वो ऑड होगा, ठीक है, चाहे वो इवन हो चाहे वो ऑड हो, ये वाला टर्म हमेशा क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन पाई 2π, साइन 3π, साइन 4π, साइन 5π, 6π, 7π सब 0 होते हैं, ठीक है ना, तो ये वाला टर्म तो बेटा गायब हो जाएगा, ठीक।
अब ये वाला टर्म बचा, अगर आप इवन की बात कर रहे हैं तो जीरो आपने पुट करके देखा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वन, ठीक है ना, इस टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन। और जब ऑड की बात करेंगे तो यहाँ पे जैसे पाई हो गया या थ्री पाई हो गया या फाइव पाई हो गया तो इस टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन। बस सिंपल आपने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। इसको आपने के रेस्पेक्ट में वेरी किया, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अप टू नाइन, ठीक है। तो जीरो के केस में क्या आ जाएगा, वन प्लस वन टू हो जाएगा, वन क्या है आपके पास ऑड वैल्यू, तो वन तो ये एज इट इज़ आ गया, ठीक है ना। और इस टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी ऑड के केस में, माइनस वन, ये माइनस वन। तो जहाँ जहाँ ऑड है, जैसे ये वाला टर्म ऑड है तो यहाँ पे माइनस वन, बाकी जगह प्लस वन। तो आपको मिल गया क्या सीक्वेंस, टू जीरो टू जीरो, ठीक है। तो आप फाइनल वैल्यू भी लिख सकते हैं, वो फाइनल वैल्यू क्या होगी, वो फाइनल वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, एक्स ऑफ के की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है टू से, तो टू जीरो टू जीरो, कितने टाइम में टोटल टेन, तो टेन लिख दीजिए, टेन पेयर, ठीक है ना, फाइव पेयर्स ऑफ टू जीरो, तो टू जीरो टू जीरो दो बार हो गया, टू जीरो तीन बार, टू जीरो चार बार, और टू कॉमा जीरो पाँच बार, टोटल फाइव पॉइंट टेन पॉइंट्स हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक, सिंपल है। अब देखिए सेकंड पार्ट, आपको नोट करना है आप नोट कर लीजिए, ठीक। अब देखिए सेकंड पार्ट, मैं से रफ कर रहा हूँ, पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, देखिए एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू यू ऑफ एन माइनस यू ऑफ एन माइनस सिक्स, ठीक, ऑफ एन यू एन माइनस यू एन माइनस सिक्स है। तो पहले हमने यू एन को प्लॉट किया है, यूनिट स्टेप सिग्नल, ठीक है ना। एन लेस देन ज़ीरो के लिए इसकी वैल्यू ज़ीरो रहेगी, और जीरो से लेके इन्फाइनेट तक इसकी वैल्यू क्या रहेगी, वन। यू एन माइनस सिक्स क्या होगा, इसी सिग्नल का शिफ्टेड वर्जन, इस सिग्नल में क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा सिक्स पॉइंट्स का, ठीक है ना। तो ये जो सीक्वेंस है वो सिक्स पॉइंट से राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट कहाँ पहुँच जाएगा, ये पॉइंट उठ के चला जाएगा सिक्स पे, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट, ये वाला जो इम्पल्स है वो उठ के सिक्स पे आ जाएगा, क्योंकि सिक्स पॉइंट्स से आपने शिफ्टिंग कर दी, इसको राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना। अब सिग्नल क्या है आपके पास, एक्स एन क्या है, यू एन माइनस यू एन माइनस सिक्स। तो आपको इस सिग्नल में से इस सिग्नल को माइनस करना है, ठीक है ना, माइनस करना है। मतलब देखिए यहाँ पे आपके पास जीरो 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 है, ठीक है। तो जब ये सिग्नल इन सिग्नल से माइनस होंगे तो वन माइनस जीरो वन माइनस जीरो वन माइनस जीरो, तो यहाँ पे क्या आएगा, वन 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 वन, ठीक है ना। लेकिन जब n इक्वल टू सिक्स और ग्रेटर देन सिक्स की बात करेंगे तो क्या होगा, ये इम्पल्स इन इम्पल्स को फिनिश कर देंगे, ठीक है। दोनों इक्वल हैं, जब दोनों की लड़ाई होगी आपस में तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। वन माइनस वन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो यहाँ पे ज़ीरो 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 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये पॉइंट लिख दिया कि देखिए कैपिटल एन क्या है यहाँ पे, टेन। तो स्मॉल एन और स्मॉल के ज़ीरो से लेके एन माइनस वन, दैट इज़ ज़ीरो से लेके नाइन तक के चेंज होंगे। अब यहाँ एक्स ऑफ ज़ीरो एक्स ऑफ वन एक्स ऑफ टू अप टू एक्स ऑफ फाइव तक वैल्यू क्या मिल गई आपको, वन। तो आपने वन पुट कर दिया, बाकी रिमेनिंग वैल्यूज़ क्या हैं, ज़ीरो, तो ज़ीरो, ठीक है। ये बाय द डेफिनेशन ऑफ द डी एफ टी यू कैन राइट दिस फॉर्मूला, ठीक है ना। एन की वैल्यू आपने रिप्लेस कर दी, यहाँ पे नाइन आ गया, ठीक है। यहाँ पे टेन रिप्लेस कर दी आपने कैपिटल एन की वैल्यू, तो यहाँ पे ये टू और टेन कैंसिल होकर यहाँ पे फाइव बचेगा, यहाँ फाइव बचेगा, ठीक है ना। अब बस इसको एक्सपेंड करना है। अब एक्सपेंड करने में भी देखिएगा क्या कि केवल जीरो से लेके फाइव तक एक्सपेंड करना है, क्योंकि बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो गायब हैं, गायब मतलब कि ज़ीरो हैं, ठीक। तो यहाँ पे इसको बस एक्सपेंड कीजिए और लिखिए, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपने नोट कर लिया हो, अगर नोट करना चाहते तो नोट कर लीजिए, अदरवाइज़ मैं इसे रफ करता हूँ और आगे बताता हूँ आपको। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमने इस एक्सप्रेशन का यूज़, इस फॉर्मूले का यूज़ किया, इसको एक्सपेंड किया जीरो से लेके नाइन तक, ठीक है ना। स्मॉल एन की वैल्यू को चेंज किया जीरो से नाइन तक, तो जीरो से नाइन तक चेंज किया तो ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव तक रहेंगे, ठीक है ना। बाकी टर्म्स क्या हो जाएंगे, जीरो, तो जीरो जीरो हमने लिख दिया, ख़त्म, ठीक है। इस फाइव से ये फाइव कैंसिल हो जाएगा, ठीक, इस फाइव से ये फाइव कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
ये सारी वैल्यूज़ क्या हैं, 1 1 1, तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 into 1, क्योंकि ई रेस टू द पावर 0 क्या होता है, 1, ठीक। बाकी एक्स ऑफ 1, एक्स ऑफ 2, एक्स ऑफ 3, एक्स ऑफ 4, एक्स ऑफ 5 क्या है, 1, तो रिमेनिंग टर्म्स ही बचेंगे, ये वाला टर्म बचा, ये बचा, ये और ये, ठीक है ना। लास्ट वाला ई रेस टू द पावर माइनस जे पाए के हो जाएगा। अब इसमें बस के की वैल्यू को चेंज करना है और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा और आंसर चेक कीजिएगा, आंसर आएगा ये मैंने लिखा हुआ, ठीक है। अब देखिए ये जो सीक्वेंस है वो क्या है, एक रियल वैल्यू सीक्वेंस है, तो इसमें आपको सारे पॉइंट्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स कंजुगेट सिमेट्री इसमें लगेगी, ठीक है। अगर आपके पास एक्स ऑफ एन रियल वैल्यू सीक्वेंस होता है, ठीक है, उस केस में क्या होगा कि एक्स ऑफ एन बाय टू पॉइंट पे क्या हो जाएगा, देखिए n बाई टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, x ऑफ 5, ठीक है ना, 10 बाई टू दैट इज़ 5, तो x ऑफ 5 पे क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आपको सिमेट्री मिलेगी, ठीक है ना। तो देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है ना, इस पॉइंट के अबाउट क्या होगा, ये ओरिजिन नहीं है, जो ओरिजिन इसका यही है, ठीक है ना, लेकिन इस पॉइंट के अबाउट क्या होगी, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट सिमेट्री। तो देखिए यहाँ पे इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आपने केवल ये वैल्यू फाइंड की इतनी, ठीक है, रिमेनिंग वैल्यूज फाइंड नहीं करनी है। इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा, 1 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट 1, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ये आ गया, ठीक है ना, 1 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट 1, ठीक है, और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ये आ गया, ठीक। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने जो डायरेक्ट वैल्यू लिखी है, ठीक है, अगर आप चाहें तो इसमें कॉस थीटा साइन थीटा के टर्म्स में ब्रेक करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, या मैं भी एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, बाय यूजिंग द कैलकुलेटर यू कैन डायरेक्टली फाइंड दीज वैल्यूज़ इफ़ वी नो दिस एक्सप्रेशन, ठीक है ना। इस एक्सप्रेशन से आप क्या करोगे, डायरेक्टली ये वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं हम कैलकुलेटर की हेल्प से, ठीक है ना, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। सो थैंक यू एवरी वन फॉर लिसनिंग।